आपने कदीम सूफिया मशाइख बुजुर्गों के वाक़यात पढ़े और सुने हो, उसमें मिलेगा कि वो नफ्स की ख्वाहिश पूरी नहीं करते थे, चाहे जो ख्वाहिश हो, जायज़ ख्वाहिश भी पूरी नहीं करते थे। बहुत से मशाइख के हालात में ये सब मिलेगा आपको। यानी मसलन खाना लजीज है, सालन बहुत अच्छा बना हुआ है, तो पानी मिला लिया ताकि नफ्स खुश ना हो। बहुत अच्छा लजीज खाना है, उसे नहीं खाना है, उसमें पानी मिला लिया। मैं आपको मशवरा नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल आप बेफिक्र होकर खाएं। हम लोगों के हिस्से में तो अल्लाह ताला ने बहुत आसानियाँ कर दी हैं। हमारे ज़माने में हमारे हजरत फरमाया करते हैं कि आसानियों का ज़माना हमारे हिस्से में आया है। पहले जैसे मुजाहदात की ज़रूरत नहीं है, इस ज़माने में थोड़ी मेहनत पर ज़्यादा मिलता है, ये हमेशा याद रखें। और मैं तो इसका तजर्बे की बात कह सकता हूँ इसको, कि थोड़ी मेहनत पर ज़्यादा मिलता है। बस ये कि मेहनत हो ईमानदारी से, इखलास के साथ, तो फिर थोड़ी मेहनत पर बहुत कुछ मिलता है, ये पक्की बात है। बिल्कुल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप पेट भर के खाना खाएं, कोई रुकावट नहीं। असल क्या है, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, खाने में भी सुन्नत के मुताबिक रहें। हजरत सुनाया करते हैं कि इस उम्मत के बड़े औलिया में से एक शख्सियत हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने 20 साल तक बहुत सख्त मुजाहदात किए, नफ्स के खिलाफ बहुत कुछ किया, लेकिन हर हाल में सुन्नत पर कायम रहने से बड़ा मुजाहदा कोई नहीं पाया। हर हाल में सुन्नत पर कायम रहने की वजाहत करनी होगी, यानी मतलब यह है कि मुजाहदा अगर आप कर रहे हैं कि साहब मैं खाना कम खाऊंगा, रोज़ाना आप कम खाना खाते हैं, तो पता चला कि आदत हो गई। अब आदत हो गई तो मुश्किल नहीं रहा। चुनाचे कुछ लोग रोज़ाना रोज़ा रखते हैं। हमारे हजरत ही सुनाते हैं कि एक साहब हमारे यहाँ मेहमान हुए, मेहमान खाने में आकर ठहरे, वो बच्चे जाकर उनसे मिले, उनके हालात मालूम किए, तो पता चला कि वो मुस्तकिल रोज़े से हैं। उन खाने को कहा होगा, उन्होंने कहा मेरा रोज़ा है। भाई आज कैसा रोज़ा है? कहा मैं रोज़ाना रोज़ा रखता हूँ। तो अभी हज़रत के साहबजादे छोटे थे उस वक्त, वो आए हज़रत से कहा कि अबू जी वो जो मेहमान आए हैं वो साइमुद्दहर हैं, मुस्तकिल रोज़ा रखते हैं। तो हज़रत ने फरमाया कि उनसे जाकर ये कहो कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक दिन रोज़ा रखें और एक दिन इफ्तार करें, और यही सुन्नत भी। तो उन्होंने जाकर कहा तो उन बुज़ुर्ग ने कहा भाई ये बहुत मुश्किल काम है, ये मुश्किल है। रोज़ाना रोज़ा रखना आसान है, इसलिए कि रोज़ाना की आदत एक बन जाएगी, वह उसी वक्त भूख लगेगी। लेकिन एक दिन रोज़ा एक दिन इफ्तार, ना उसकी आदत ना उसकी आदत, रोज़ाना मशक्क़त होगी रोज़ा रखने की। और सुन्नत यही है, हदीस में ये है कि या तो आदमी महीने में 3 दिन अय्याम बीज 13, 14, 15 का रोज़ा रखे, पीर और जुमेरात का रखे, और अगर मुस्तकिली रखना है तो एक दिन रोज़ा एक दिन इफ्तार, सौम दाऊदी इसको कहा जाता है। तो ये है कि सुन्नत पर चलना ये होता है मुश्किल काम। इसी तरह से एक आदमी की आदत कम खाना खाने की है, तो कम खाने की आदत पड़ जाएगी तो परेशानी नहीं होगी। मुझे खुद तजर्बा हुआ कि जब मुझे शुगर की बीमारी हुई तो मैंने फौरन अपना 1/3 खाना कम कर दिया, और वो अब तक चल रहा है तकरीबन। अब मुझे डॉक्टर कहते हैं कि ठीक ठाक खा लिया करो, तो वो जो कम कर दिया शुरू में तो भारी पड़ा, फिर आदत हो गई, अब उसी पर रुक जाती है तबीयत, जबकि भूख बाकी होती है, यकीन है, तो आदत हो जाती है। हजरत ये फरमाते हैं हर हाल में सही खाना। हर हाल का मतलब है अगर आपके यहाँ शानदार खाने बने हैं तो उस दिन आपने हलक तक ठूस लिया, ये सुन्नत नहीं हुई, उस दिन भी कम ही खाइए जितना खाने की खाना मुनासिब है। और अगर किस दिन हल्का खाना है तो पता चला आप ज़रा सा चक्के ही उठ गए, ये भी सुन्नत के ख़िलाफ़ हुआ, जितनी भूखे उतना खाइए। यह है मिसाल, ये एक मिसाल है, चूँकि खाने की मिसाल आसानी से समझ में आ जाती है।